कुरशेद स्थानीय पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप में 18 विभिन्न मामले जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन राज्य मंत्री करण देव कम्बोज के सामने रखे गए। बैठक में फौजी सतबीर सिंह का मामला गरमाया रहा। सतबीर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी की डिलीवरी शहर की एक डॉक्टर ने जल्दबाजी में की थी, जिसके बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। करण देव कम्बोज ने कहा, मामले में पहले ही उक्त डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। वहीं शहर के नए निजी डॉक्टर मामले में अपना पक्ष रखने के लिए बैठक में पहुँचे, लेकिन उनको समय नहीं दिया गया। इसके अलावा कई मामलों में गर्मा गर्मी देखने को मिली। सुविधा दी है अपने सभी नागरिकों को कि अगर किसी के साथ कोई इस प्रकार का कोई अपराध होता है तो ऑनलाइन भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। इसलिए जो है ना, ये सारे मैटर जो है ना वो रिकॉर्ड में आते हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि जो है ना अपराध ज़्यादा हो गया। पहले इस प्रकार के मामलों को टोल प्लाजा को लेकर के बहुत शिकायतें मिलती हैं। जो हाईवे पे टोल प्लाजा जाते हैं उनको 12 घंटे की पर्ची काटनी होती है, लेकिन वो शाम को अगर पर्ची काटते हैं और 12 बजे के बाद। सर, इस मामले में मैं साफ साफ कहना चाहूँगा कि इसमें डॉक्टर की कोई भी लापरवाही नहीं है, इस बात को एकदम क्लियर है। और मैं आपको इस सब चीज़ों के सबूत भी दूंगा कि जिसमें ये पता लगेगा कि आपको कि इसमें डॉक्टर की कोई भी लापरवाही नहीं है। मैं डॉक्टर हिमांशु जैन हूँ, मैं डॉक्टर रुचि जैन के बिहाफ पे आपको ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से उनका पक्ष रखने का आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर रुचि जैन ने सन 2008 में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से अपनी PG की थी और आज 11 साल हो गए हैं, और पिछले कुरुक्षेत्र में पिछले 6 साल हो गए, जिसमें कि उन्होंने हज़ारों ऑपरेशन और डिलीवरी की होंगी। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हर ऑपरेशन में होती हैं, लेकिन जो डेथ हुई है, जो ये आज पहली बार हुई है जो करिश्मा पेशेंट की, उसका दुख हमको भी है। डॉक्टर रुचि जैन राधाकृष्ण अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की तरह काम कर रही थी और वहाँ पर नौकरी करती थी, जॉब करती थी, उनकी एम्प्लॉई थी। जो करिश्मा सैनी पेशेंट है उसका 9 महीने का पूरा इलाज डॉक्टर रुचि जैन से चला। उनका घर वालों का डॉक्टर रुचि जैन पर विश्वास था, क्योंकि उनकी जेठानी की डिलीवरी भी डॉक्टर रुचि जैन ने कराई थी। इस वजह से उन्होंने अपनी देवरानी की डिलीवरी भी डॉक्टर रुचि जैन से कराने की सोची। पूरे 9 महीने तक सब कुछ सही चलता रहा। 27 सितंबर 2018 को डॉक्टर रुचि जैन ने OPD में करिश्मा पेशेंट को देखा और ये पाया जाँच में कि बच्चा उल्टा है, और उसको बोला कि आपका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और उसकी ऑपरेशन की जो तय डेट थी वो 7 अक्टूबर की करी गई, और उसको ये भी बताया कि मैं बीच के दिनों में 29 तारीख को अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, एक लैप्रोस्कोपी कॉन्फ्रेंस के लिए सोनीपत जाऊंगी, और मैं उस दिन नहीं होंगी तो फिर देखेंगे, लेकिन आपकी तारीख तो 7 तारीख का तो देखते हैं। लेकिन आप किस्मत का खेल देखिए कि 29 तारीख को सुबह 6 बजे उसकी बच्चेदानी की जो पानी की थैली होती है वो पानी छूट गया और बच्चे की धड़कन कम होने लगी, और सुबह 6 बजे वो अस्पताल में पहुँची। डॉक्टर रुचि जैन ने अपने पूरे ड्यू रिगार्ड से अपने पेशेंट के प्रति लगाव करते हुए उसको देखा और उसका ऑपरेशन किया, और उस समय पे भी उसको बताया, जिस बात के लिए वहाँ का स्टाफ भी गवाह है, कि उनको बाहर जाना है, अगर आपको कहीं और ले जाना है तो ले जाइए। लेकिन इस पे उसकी सास ने ये बोला कि डॉक्टर साहब, आपने हमारा 9 महीने इलाज किया है तो अब हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जाएँ, आप ही हमारा प्लीज़ ऑपरेशन कर दिया, वैसे भी तो आप शाम को आ ही जाओगे और अस्पताल में और डॉक्टर तो देख ही लेंगे। तब डॉक्टर रुचि जैन ने कहा कि हाँ, अस्पताल को पता है कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, मैंने उनको बहुत पहले से भी बता रखा और मैं भी दोबारा से उनको बताऊँगी कि मैं छुट्टी पर जा रही हूँ, तो अस्पताल के ही डॉक्टर देख पाएंगे, मैं शाम या रात तक ही अवेलेबल हो पाऊंगी। तो उन्होंने गुड फेथ में डॉक्टर रुचि जैन ने उसका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। ऑपरेशन में जो अंदर के टाँके थे, बाहर के टाँके थे, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं थी। ऑपरेशन का लेटर है जिसमें डॉक्टर रुचि जैन ने ऑपरेशन किया, जिसका कि इंडिकेशन था जिसमें कि बच्चा उल्टा था, लैट्रीन हो गई, पास हो गई थी, बच्चे की धड़कन कम हो गई थी। ये अगला पेपर जो है ये इस चीज़ का है कि ऑपरेशन पहले ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर करिश्मा सैनी थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी, जिसमें सारी चीज़ें जो वाइटल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो हम ब्लड प्रेशर शुगर ये सब देखते हैं, सब नॉर्मल। इसके बाद डॉक्टर रुचि जैन वहाँ पे अपने अन्य दो मरीज, कोई संगीन ऐसी कोई धारा लगी है कि उसको फांसी की सजा सुना दी गई हो, कत्ल का केस है ये, मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है मेरी वाइफ का, बेहोशी की का नशा देकर उसको ऐसा टॉर्चर किया गया, उसके सारे अंग खराब हो गए। मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ रुचि जैन को ही दोषी ठहरा के उन्होंने जो भी FIR डाली है उसमें अपना पल्लू झाड़ देंगे। जब मैं DC ऑफिस में गया था तो उन्होंने बोला था कि मीटिंग में बैठ के जो राज्य मंत्री निर्णय सुनाएंगे इसके ऊपर, वो उसके बाद फिर ये जो FIR दर्ज होगी उसके बाद, लेकिन इन्होंने पहले ही एक महीने से DC साहब के पास रिपोर्ट आ रखी है, 2 दिन पहले ये
FIR दर्ज करते हैं और उसमें भी सिर्फ रुचि जैन के खिलाफ ही ये FIR दर्ज करते हैं। संतुष्ट नहीं है आप? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्या अपील करेंगे? मैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की अपील करूंगा। हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, लोकेंद्र गोयल जेल में जाना चाहिए, हिमांशु जैन और रुचि जैन सारे जेल में जाने चाहिए। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।